मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है। एक हॉस्पिटल है जहाँ हम रिश्तेदारों के साथ में मेंटल पेशेंट को तथा एडिक्ट अल्कोहल एडिक्ट उनको भर्ती करते हैं, और दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोग जो है उनको बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। हमारे काफ़ी काउंसलिंग सेशन भी चलते रहते हैं कि जहाँ लोग दूर दूर से हमको फ़ोन करते हैं और उनको जो भी कोई मानसिक टेंशन है, मानसिक प्रॉब्लम है, कोई उनको काउंसलिंग चाहिए, नहीं पट रही आपस में, या वर्क प्लेस के ऊपर वहाँ टेंशन हो रहा, प्रेशर हो रहा है, या खुद को कोई टेंशन है, एंग्जाइटी है, फोबिया है, ऑब्सेशन है, उसके बारे में हमें लोग फ़ोन पे कंसल्टेशन करते हैं और उनका इलाज काउंसलिंग से फ़ोन पे करते हैं। आज मैं आपको बात करने वाला हूँ कि लोग बोलते हैं कि भाई मैं बड़ा काम नहीं कर पा रहा हूँ और इसलिए काफ़ी सारा डिप्रेशन है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं अकेला तो कर लेता हूँ, अकेला मैं कर लूँगा, मगर लोगों के साथ में मैं काम नहीं कर सकता। काफ़ी सारे लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है कि मुझे दो लोगों का काम बताओ, मैं दो लोगों का काम अकेला ही कर लूँगा, मैं 8 घंटे नहीं 12 घंटे काम करूँगा, मगर मेरे को किसी से काम करवा के मतलब मैं किसी से काम करवा के नहीं लेता। और फिर लोग डिस्टर्ब होते रहते हैं कि हम बड़ा काम नहीं कर सकते। तो उनसे मैं जब बात करते रहता हूँ तो वही है कि भाई हर व्यक्ति के गोल्स है, हर व्यक्ति के एस्पिरेशंस है, ड्रीम्स है, उद्देश्य है, एम्बिशंस है, मतलब बड़े बड़े सपने रहते हैं। कुछ सपने रहते हैं कि फैमिली को बड़ा करना, खुद का एजुकेशन बहुत बड़ा करना, बच्चों का एजुकेशन को बहुत बड़ा सिखाना पढ़ाना, किसका उद्देश्य रहता है कि बड़ा बिजनेस करना, किसका उद्देश्य रहता है कि बड़ा नाम करना अपने फैमिली का, किसका उद्देश्य रहता है कि अपने देश के लिए काम करना है, किसका उद्देश्य रहता है कि महिलाओं का शोषण है उसके लिए मुझे काम करना है, किसको हेल्थ एरिया में, आरोग्य विषय एरिया में काम करना है, मतलब लोगों के बड़े 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 गोल्स रहते हैं और वो लोग बड़ा हासिल करना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं। काफ़ी सारे हाउसवाइफ जो है वो घर में बैठे बैठे सप्रेस हो जाती है, वो भी बड़ा काम करना चाहती है, कुछ ना कुछ बिजनेस करो, कुछ ना कुछ कमाओ, खुद को सेल्फ एक्सप्रेस करो, आत्मअभिव्यक्ति करो, ऐसा मतलब चाहती है हाउसवाइफ। तो फिर उसमें लोगों का रहता है कि भाई मैं लोगों के साथ में काम नहीं करता या कर सकता। मैं हरदम उनको बोलता हूँ कि आपको यदि बड़ा काम करना है या कोई भी काम करना है तो आपको टीम के साथ में ही काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज ये है, ऐसा लोगों को लगता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट है, मैं बोलता स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है, लोग लगता है कि टाइम मैनेजमेंट है, हमको टाइम मैनेज नहीं हो रहा, वो भी प्रॉब्लम नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो कॉमन है, पीपल्स मैनेजमेंट, लोगों को मैनेज करना। क्योंकि कुछ भी काम करना है तो हम लोगों के साथ में काम करते नहीं है, एक कॉमन चीज वहां है वो है लोग, और टीम को लेके काम करना है और उनको लेके काम करके मुझे जो मेरा एस्पिरेशन है, मेरे जो मुझे गोल्स है वो पूरे करने हैं। होता क्या है कि मेरे साथ में जो टीम है उनका एस्पिरेशन अलग है, उनके गोल्स अलग है, उनका उद्देश्य अलग है, मेरा एस्पिरेशन अलग है, मेरे गोल्स अलग है, मेरे ड्रीम्स अलग है। हो सकता है कि जो मेरे स्टाफ है, जो मेरे साथ में काम करते हैं, उनको कोई उद्देश्य नहीं है, उनको कोई ड्रीम नहीं है, एस्पिरेशन नहीं है, उनको सिर्फ सर्वाइवल है, सर्वाइव करना है, आज का दिन निकालने का है, आज का दिन काटने का है। लोग कंफ्यूज है कि क्या करें, पता नहीं, बस काम पे जाओ, सुबह काम पे जाओ, शाम को घर पे वापस आ जाओ और आज का दिन काटो। तो लोग जीवन जीते नहीं है, लोग जीवन काटना चाहते हैं, काट देते हैं और कुछ करना नहीं चाहते। हो सकता है कि उनको डर लगता है, फियर ऑफ फेलियर है कि हमको सफलता नहीं मिलेगी। कुछ लोग आलसी है, तो भाई लोगों को लगता है कि कहाँ काम कर देते, जो चल रहा वो ठीक है, लोग बोलते हैं स्टेटस को इज फाइन, जो चल रहा हो चलने दो। कोई लोग है कि जो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, कि नहीं मुझे जवाबदारी मत दो, जिम्मेवारी मत दो, मैं तो दो लोगों का काम करूँ ना, मगर किसी को बोलूंगा नहीं कि काम कर, या किसी से मैं काम करवा के नहीं ले सकता। अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको टीम खड़ी करनी पड़ेगी, आपको वो टीम में कोऑपरेटिव लोग मिलेंगे, अनकोऑपरेटिव लोग मिलेंगे, लोग हार्ड वर्किंग मिलेंगे, लोग हार्डली वर्किंग मिलेंगे, लोग बहुत ही वचनबद्ध रहेंगे, अपने काम के प्रति बहुत वचनबद्ध रहेंगे, कमिटेड रहेंगे, कुछ लोग बिल्कुल ही कमिटेड नहीं रहेंगे, बस टाइम पास करने के लिए आए होंगे, कुछ लोग एकदम ऐसे उदास, दुखी, सैड, नर्वस लोग मिलेंगे, तो कोई बहुत ही एक्साइटेड, एनर्जेटिक ऐसे लोग मिलेंगे, कोई बहुत ही मोटिवेटेड लोग मिलेंगे, तो बहुत इंस्पायर्ड है लोग, मोटिवेटेड है, काम करने के लिए उत्सुक है,
तो कुछ डीमोटिवेटेड लोग मिलेंगे, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे कि उनको बहुत बड़ा काम उनको भी करना है अपने लाइफ में, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे कि उनको कुछ भी करने का नहीं है, टाइम पास करने का है। तो मुझे सब तरह के लोग मिलेंगे मेरे टीम में, मुझे ये देखना है कि मैंने उनसे कैसा काम करवा के लेना या उनको कैसा इंस्पायर करना, उनको कैसा मोटिवेट करना, ताकि उनको बिना पीछे लगते हुए मैंने उनसे काम करवा के लेना चाहिए, उनके उनसे मतलब पुलिसिंग नहीं करना है, उनके पीछे नहीं लगने का है और बिना पुलिसिंग का उनके साथ में काम करना है। अब इसमें मुझे ये देखना है कि मुझे सब तरह के लोग मिलेंगे तो मुझे सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि मैं ब्लेम करते रहता हूँ, तो मेरे को ब्लेम नहीं करना है, कुछ ब्लेम किसको नहीं करने का है, किसी के खिलाफ कंप्लेन करना नहीं, नो ब्लेम नो कंप्लेंट्स। बिल्कुल टीम तैयार करनी है तो सबको साथ लेके चलना है, सबको ट्रेनिंग देनी हो कि भाई करना क्या है, उनका कोई गोल तैयार करना पड़ेगा, उनके कोई जो ड्रीम्स है, उनको कुछ भी जो भी करना है वो मुझे उनको बताना पड़ेगा कि वो क्या कर सकते हैं लाइफ में, लाइफ में उनके लिए क्या संभव है, भविष्य में उनको क्या संभव है, वो मुझे उनके साथ में बातचीत करनी पड़ेगी। जो काम उनको मैं सौंपा रहा हूँ उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। जैसा पीटर ड्रकर जो एक बड़ा मोटिवेटेड मतलब मोटिवेशनल गुरु है बोलता है कि भाई जो लीडर रहते हैं या जो मैनेजर्स रहते हैं वो 70% उनका जो समय है वो लोगों को ट्रेन करने के लिए देते हैं, खुद काम नहीं करते, लोगों को ट्रेन करवा के देते हैं, मतलब ट्रेनिंग लेते हैं लोगों का। तो लोगों का ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, और यदि लोग ट्रेन हो गए, लोगों का मोटिवेशन है, लोगों को कुछ काम करने की इच्छा हो रही है, उसके लिए मैं उनको इंस्पायर करता हूँ, उनको मैं उनका भविष्य के बारे में बात करता हूँ, एज ए फ्यूचरिस्ट मैं उनसे बात करता हूँ, उनको फ्यूचर बताता हूँ, फ्यूचर जब उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ, और उनको दिखता है कि उनकी ग्रोथ भी मेरे साथ में हो जाएगी, वो भी मेरे साथ में बड़े होंगे, वो भी उनके लिए भी कुछ संभव है, तो टीम अच्छे तैयार हो जाएंगे। तो आज का टॉपिक यही है कि भाई लोगों को कैसे चलाना, लोगों को कैसे लेकर चलना, लोगों को कैसा इंस्पायर करना, वो यदि आप करते हैं तो आपकी टीम बड़ी हो जाएगी और आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं मुझे जमता नहीं, मेरे संभव नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और ये जो डिप्रेस्ड इंसान है वो डिप्रेस्ड इंसान बाहर आ जाएगा। तो आपके आजू बाजू में ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे कि जिनको इसके बारे में ज्ञान नहीं होगा, इसके बारे में उनको पता नहीं होगा, वो वहीं अटके होंगे लाइफ में, तो उनको जरूर ये वीडियो शेयर करो। आपको अच्छा लगा तो आप जरूर उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाओ अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, अपने फेसबुक के ग्रुप के ऊपर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाए। और हमारा जो भविष्य है, हमने जो हमारा मिशन हाथ में लिया है कि भाई मेंटल हेल्थ फॉर ऑल और मतलब व्यसन मुक्त भारत, लाइक एडिक्शन फ्री इंडिया, तो उसमें भी आपका हाथ लग जाएगा और हर व्यक्ति अपना जीवन शक्तिशाली रूप से जिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।